16 वर्षीय लड़की जवान ने पाकिस्तान द्वारा गहन फायरिंग में घायल, भारत जोरदार प्रतिशोध। पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा के किनारे पुंछ में युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए एक 16 वर्षीय लड़की और एक सेना जवान घायल हो गए हैं। सेना के सूत्रों का कहना है कि भारत ने जोरदार जवाब दिया। रविवार को पुंछ में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी में एक किशोर लड़की और एक सैनिक घायल हो गए हैं। गोलीबारी सुबह 11 बजे शुरू हुई जब पाकिस्तान ने शाहपुर में एलओसी के साथ पदों और गांवों को आगे बढ़ाया। गोलीबारी में घायल हो गए 16 वर्षीय गुलानाज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना प्रभावी ढंग से प्रतिशोध कर रही है, सूत्रों ने बताया। यह 3 दिनों में दूसरी बार है कि पाकिस्तानी सेना ने पुंछ को निशाना बनाया है। स्वचालित हथियार और मोर्टार का उपयोग करते हुए उन्होंने पिछले सप्ताह बालाकोट सेक्टर के लगभग 1 दर्जन क्षेत्रों में सेना और नागरिक सुविधाओं को लक्षित किया। 18 और 22 जनवरी के बीच जम्मू क्षेत्र में पाकिस्तान की गोलीबारी में 7 नागरिक और 6 सुरक्षा कर्मियों सहित 13 लोग मारे गए थे। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए 21 जनवरी तक 1 सप्ताह तक राजौरी, पुंछ, जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नियंत्रण रेखा के करीब 300 सेकेंड ज्यादा स्कूल और बंद किए गए थे। सैकड़ों ने अपने घरों को सीमा के पास छोड़ दिया है, मवेशियों और फसलों के पीछे छोड़ दिया है। अगरतला में चुनाव रैली में बोलते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है, लेकिन देश की सेनाओं को बताया गया है कि अगर एक गोली सीमा पार से आती है तो सुरक्षा कर्मियों को प्रतिशोध करने के लिए अनगिनत गोलियां चाहिए। सिंह ने कहा, मैंने हमारे बलों को स्थायी बल दिया है ताकि पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा हमारे इलाके में आग लगने के लिए असीमित गोलियां मार सकें।